अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक क्विज़ ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो लास्ट दो वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ स्टेट हुक और यूज़ इफ़ेक्ट हुक को सीखा था, उसी को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी क्विज़ ऐप क्रिएट करेंगे जो कि कुछ क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगी और एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा और जैसे ही आप उसका जो भी गलत या सही आंसर करेंगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव हो जाएगा और जैसे ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूरे होंगे तो आपको एक रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं और कितने आपके पॉइंट्स बने हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको समझेंगे भी ताकि आपको रिएक्ट जेएस की अच्छे तरीके से समझ आ सके और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल को और क्रिएट करते हैं एक सिंपल क्विज़ ऐप। तो दोस्तों, इस क्विज़ ऐप का इंटरफेस जो है वो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है यूजिंग बूटस्ट्रैप 4 और इसके अलावा इस क्विज़ के लिए जो हम क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट से जो कि है ओपन ट्रिविया डेटाबेस और ये फ्री टू यूज़ यूज़र कंट्रीब्यूटेड ट्रिविया क्वेश्चंस डेटाबेस है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इवन अगर आप हर दफ़ा एक क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो रेंडमली आपको उस सिंपल या उस जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया उसका क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके अंदर यहाँ पर API का सेक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरफेस है वो मैंने किस तरीके से क्रिएट किया और कैसे मैंने ब्रेक डाउन किया है अपनी एप्लीकेशन को इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ मैं VS Code को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप अगर देखें तो मेरे पास 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे VS Code में। app.js ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है और ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बता दूँ कि मैंने ये एक अलग ऐप क्रिएट किया रिएक्ट क्विज़ के नाम से और जब ये वीडियो ट्यूटोरियल मतलब कंप्लीट इस एप्लीकेशन को मैं अपने GitHub अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक आपको या तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फर्स्ट पिन कमेंट होगा इसी वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये हमारी app.js डिफ़ॉल्ट है जिसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं होम को। होम हमारे पास एक अलग कंपोनेंट है और ये वो कंपोनेंट है जो कि बूटस्ट्रैप को कॉल कर रहा है और उसके अलावा क्विज़ कंपोनेंट को कॉल कर रहा है और यहाँ पर सिंपली मैंने कंटेनर रो कॉल MD12 ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई CSS इसमें ऐड नहीं की सिवाय इसके कि मैंने जो लोगो है रिएक्ट जेएस का उसका साइज़ थोड़ा छोटा किया app.css की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड हेडर के अंदर टाइटल होगा वेलकम टू द होम ऑफ रिएक्ट क्विज़, तो ये स्टैटिक होगा, ये आपको हर दफ़ा यही मिलेगा। नीचे ये जो क्विज़ आ रहा है ये बेसिकली अलग के कंपोनेंट है क्विज़ के नाम से और इस क्विज़ में हमने कार्ड बॉडी को ऐड किया और इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसके अलावा आपको आंसर मिलेगा। सो क्वेश्चन में जो भी करंट क्वेश्चन होगा वो डिस्प्ले होगा और आंसर के अंदर आपके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आंसर्स होंगे 4 नॉर्मली आंसर्स आपको मिलेंगे, उनमें से जिस आंसर पर भी क्लिक करेंगे चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव हो जाएंगे और जब ये क्विज़ कंप्लीट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए हैं और आपके पॉइंट्स कितने हैं। तो ईच क्वेश्चन जो है वो 10 पॉइंट्स का होगा, माइनस कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 9 क्वेश्चंस के सही आंसर देते हैं तो 90 नंबर्स होंगे आपके, अगर 5 के क्वेश्चंस आंसर सही देते हैं तो 50 नंबर्स माइनस में नहीं होंगे, तो 0 काउंट होगा अगर आप गलत आंसर देंगे, अदरवाइज 10 आपके काउंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये स्टैटिक कंटेंट्स हैं, कोई इसमें ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड टाइटल है और क्वेश्चन विल बी शोन हेयर की जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा जो भी आप क्वेश्चन ओपन किया हुआ है आपने। इसी तरीके से यहाँ पर answer.js है, सो इस आंसर को हम लूप के थ्रू मल्टीपल आंसर्स को डिस्प्ले करेंगे प्लस हम उन आंसर्स को रेंडम भी रखेंगे ताकि एक पैटर्न के साथ आपको आंसर्स ना मिले, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ट्रिविया वाली
एप्लीकेशन पर आएँ और इसकी API पर क्लिक करें तो ये हमें कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस देता है कि यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो मैं 10 ही रहने देता हूँ और कैटेगरी मैं जो है वो कंप्यूटर्स की सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइंस कंप्यूटर्स। डिफ़िकल्टी लेवल मैं इजी रख लेता हूँ और सिलेक्ट टाइप में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखूँगा कि आपको 4 आंसर्स मिलेंगे, उन 4 में से एक करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एनकोडिंग को आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग होती है, मतलब जो भी इसमें स्पेशल कोड्स वगैरह होते हैं वो भी डिस्प्ले होने होते हैं। सो जनरेट API URL पे मैं क्लिक करूँगा तो हमें ये एक API जनरेट करके देगा। जब इस API को मैं ओपन करूँगा ब्राउज़र के अंदर तो आप देखेंगे कि हर रिफ्रेश पर आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें कैटेगरी आपकी जो आपने सेलेक्ट की थी साइंस कॉलन कंप्यूटर है और उसके बाद उसका क्वेश्चन टाइप मल्टीपल है, फिर डिफ़िकल्टी जो है वो ईजी है और फिर क्वेश्चन जो है विच कंपनी वाज इस्टेब्लिश और उसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर है और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सो इट मींस हमने करेक्ट आंसर को भी इन्हीं इनकरेक्ट आंसर्स के अंदर मर्ज करना है और उनको रेंडम ऑर्डर में भी शो करना है। ये ना हो कि मैं एप्पल को पुश करूँ करेक्ट आंसर को तो हमेशा मुझे पता हो कि जो करेक्ट आंसर है वो 4th होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पुश करेंगे एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट तो वो लास्ट होगा। सो इसलिए मुझे इनको रेंडमाइज़ भी करना होगा आंसर्स को। तो रेंडमाइज़ करने के लिए मैं एक टेक्निक यूज़ करूँगा जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्विज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो वापस VS कोड में चलते हैं और यहाँ पर VS कोड के अंदर मैं जो क्विज़ वाली ऐप है, जो यहाँ पर क्विज़ का कंपोनेंट है, उसके अंदर ये जो आंसर है इस आंसर को मैं शफल करके डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है कॉन्स्ट आंसर्स, यहाँ पर कुछ हमारे पास आंसर्स हैं, जैसे मैं रेंडमली कोई से भी आंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 4 आंसर्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चारों के चारों आंसर्स जो है वो रेंडमली डिस्प्ले हों ऑन द आंसर्स, ताकि हमें पता ना चले कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। हमें सिर्फ पता हो कि आंसर कौन सा सही है तो उस पर हम क्लिक करें, ये ना हो कि हम हर दफ़ा 4th पे क्लिक करें तो वो सही आंसर दे दें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आंसर कंपोनेंट को एरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये सिंपल एक डिस्प्ले हो रहा है तो हमें अगर 4 आंसर्स चाहिए तो हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। नॉर्मली हम इस तरीके से करते हैं और यहाँ पर मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अब 4 आंसर्स मिलेंगे। अच्छा, एक और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आंसर के अंदर ये जो हमारे पास आंसर है इसको MY1 दे देता हूँ, मार्जिन जो है टॉप बॉटम 1, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। Now it looks nice. Okay. तो अब मैं वापस आता हूँ इसके अंदर क्विज़ के अंदर। सो अब इन 4 आंसर्स को हम लूप के थ्रू डिस्प्ले करवाएंगे, तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ ऊपर आके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट ये हमारे पास आंसर्स हैं और मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा रिज़ल्ट कह लेते हैं इसको, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं आंसर्स को मैप करूँगा किसके साथ, आंसर के साथ, और इसको मैं इस तरीके से आंसर को कॉल करूँगा और यहाँ पर एक आंसर की प्रॉपर्टी दूँगा जिसको मैं पास करूँगा आंसर वेरिएबल। सो इट्स क्वाइट एम्बिग्विटी कि यहाँ पर भी आंसर, यहाँ पर भी, तो ये आंसर जो है ये प्रॉपर्टी है, ये आंसर जो है ये आपकी इनपुट है जो मैप के थ्रू यहाँ पर ईच आंसर आएगा तो उसको मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास अब आंसर्स के सारे ये 4 आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पर रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास 4 आंसर आ रहे हैं और उसके अलावा ये आंसर हम पास कर रहे हैं अब इसको, तो यहाँ पर हम प्रॉप्स की प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर आंसर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर हम आंसर को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 1357 आ रहा लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्विज़ है उसके अंदर भी 1357 है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए हमेशा ये 1357 में आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रेंडम ऑर्डर में डिस्प्ले हो, तो इसके लिए क्या मुझे करना होगा, यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है इसको हम रेंडम ऑर्डर में शफल करेंगे। तो शफल करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मल जो ईजी मैथड है वो है सॉर्ट का मैथड, और इस सॉर्ट को एक कॉल बैक और प्रोवाइड करते हैं और उसमें लिखते हैं मैथ डॉट रेंडम और इसमें से माइनस कर देते हैं 05। तो इससे क्या होता है कि जब भी वो मैथ और रेंडम से 0 से 1 के दरमियान कोई भी एक नंबर लेकर उसमें से 0.5 माइनस करेगा तो हमारे पास एक यूनिक नंबर रिटर्न होगा और उसी की बेस पर जो हमारा रिज़ल्ट है वो
सॉर्ट होगा, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो पहले आ जाएगा और जो लार्जेस्ट होगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है शफल करने के लिए कंटेंट्स को। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आप देखें कि 7531 आ रहा है। मैं रिफ्रेश करूँगा 5371। तो इस मीन्स के जब भी हमारा क्वेश्चन रीलोड होगा, नया क्वेश्चन आएगा, तो हमें नहीं पता होगा कि करेक्ट क्वेश्चन कहाँ पर है। सिर्फ हम करेक्ट आंसर उसी वक्त दे सकते हैं जब उसका आंसर हमें खुद से पता होगा। तो ये एक टेक्निक थी जो मैं बताना चाह रहा था। अब इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम API से फेच करेंगे क्वेश्चंस को और उनको डिस्प्ले करेंगे क्विज़ के अंदर। तो अब API से डाटा फेच करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम VS कोड में यहाँ पर आते हैं, VS कोड में, और यहाँ पर हम जो क्विज़ के अंदर है यहाँ पर डायरेक्टली API से डाटा गेट करके उसको सेट कर देंगे एक स्टेट हुक में। तो ये भी एक आसान तरीका है। इसके अलावा हम अलग से एक API.js फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और उससे भी डाटा फेच कर सकते हैं। तो आई विल गो विद ईजी वन कि मैं यहाँ पर सिंपली एक लूँगा कॉन्स्ट क्वेश्चंस कॉमा सेट क्वेश्चंस और इसको मैं यूज़ स्टेट हुक के साथ यूज़ करूँगा और जो यूज़ स्टेट हुक को यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको क्विज़ के अंदर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक ही दफ़ा API को कॉल करना पड़े और हम क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों को पास कर दें उनके करस्पॉन्डिंग डाटा को। सो यूज़ स्टेट हुक के बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो एम्प्टी होगी या नल होगी, इसके अंदर कोई डाटा नहीं होगा। उसके बाद हमें इसके अंदर ही अफेक्ट हुक को भी यूज़ करना है। सो यूज़ इफेक्ट को भी कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप एक नई टेक्निक यूज़ सीखेंगे यूज़ इफेक्ट हुक को इस्तेमाल करने की, वो है कंडीशनल यूज़ स्टेट। तो यहाँ पर जब हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं इसको, तो हम इसमें रिटर्न जब भी कोई चीज़ करेंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि रिटर्न करने के सूरत में रिकॉर्ड उस वक्त एग्जीक्यूट होता है या कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब आपका कंपोनेंट रीलोड होता है। इसके अलावा अगर आप स्टेट्स यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्ट आपको कंप्लेन करेगा कि आपने उस किसी एक स्टेट को इसके अंदर एज आ डिपेंडेंसी यूज़ नहीं किया, तो चलिए वो भी यूज़ कर लिया हमने। अब इसके अंदर टेक्निक ये है कि अगर हम API इसको कॉल करना चाहें यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा और उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे सिर्फ उस सूरत में जब हमारे पास क्वेश्चंस वाली जो हुक है, जो स्टेट है, वो नल होगी। सो इसमें हम चेक लगाएंगे यहाँ पर इफ़ नॉट क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस फॉल्स है तो क्या करो, API को कॉल करो। तो API के लिए मैंने ऑलरेडी इस पर इंस्टॉल किया हुआ Axios को, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ Axios फ्रॉम Axios। अगर आप फैच API को यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम मोर कम्फर्टेबल विद Axios। सो Axios.get और उसके बाद .then और यहाँ पर रिस्पॉन्स और response.data.results हमारे पास आएगा, देन .catch और कैच की सूरत में हम एरर को console.log में शो कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ नॉट क्वेश्चन, बल्कि सॉरी माई मिस्टेक, तो यहाँ पर गेट API फंक्शन को हम कॉल करेंगे और यहाँ पर हम गेट API का जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट गेट API इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब हम Axios को कॉल करेंगे और ये जो हमारे पास है देन, इसमें हम करेंगे सेट क्वेश्चंस और यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सेट हो जाए और उसके अंदर डाटा आ जाए। ओके, हो गया। तो ये तो हो गई हमारी एक टेक्निक कि हमने कॉन्स्ट फंक्शन एक क्रिएट किया इनसाइड यूज़ इफेक्ट हुक के और फिर उसको कॉल उसी सूरत में हम करेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस की एरे एम्प्टी है। सो अगर यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग क्वेश्चंस करता हूँ तो फर्स्ट टाइम ये नल होगा और नेक्स्ट टाइम इसमें डाटा आ जाएगा। तो ये कह रहा सेट क्वेश्चंस, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर मुझे सेट क्वेश्चंस करना था। और इसके अलावा उसने क्या एरर दिया, आंसर्स इज नॉट डिफाइंड, आंसर्स मैं यहाँ पर, अच्छा सॉरी, डेफिनेटली ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा फ़िलहाल।
तो आंसर रिज़ल्ट भी हमें रिमूव करना होगा क्योंकि इसकी भी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। और यहाँ पर हम आंसर को कॉल करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्वेश्चन विल बी शोन हेयर। अब ये आंसर हमने अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि कंसोल में यहाँ पर कंसोल के अंदर हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अनडिफाइंड और नल आ रहा है। सो इट मींस हमारी ये जो एपीआई है कॉन्स्ट गेट एपीआई ये काम नहीं कर रही, ये हमें रिटर्न नहीं कर रही रिज़ल्ट को, और हमारा जो कंपोनेंट है वो इस डाटा को चेंज नहीं कर रहा। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न ये है कि हमारा ये जो कॉन्स्ट गेट एपीआई फंक्शन है ये किस तरीके से सिक्रोनियसली कॉल कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एपीआई जो है वो एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है। तो प्रॉमिस बेस्ड जो एपीआई होती है वो एसिक्रोनियस होती है, मतलब वो रिज़ल्ट रिटर्न करने का वेट नहीं करती बल्कि नेक्स्ट आपको एग्जीक्यूट करने देती है कमांड, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर माई मिस्टेक मैंने की है वो ये है कि मैंने क्वेश्चंस को पेस्ट ही नहीं किया, तो शायद इस वजह से, क्योंकि नॉर्मली जो है वो यही प्रॉब्लम होती है एसिक्रोनियस की। खैर मेरे ख्याल में मेरी मिस्टेक थी, मैंने क्वेश्चन नहीं पोस्ट किए थे तो इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो अब हमारे पास 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर चेक लगाया कि इफ़ नॉट क्वेश्चंस गेट एपीआई, तो इट मींस हमारी ये जो स्टेट है क्वेश्चंस वाली ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ कर सकेंगे अपने इस ट्रिविया वाले क्विज में। तो ये हमारा एक और सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पास करना है क्वेश्चन कंपोनेंट को। तो यहाँ पर अगर आप देखें रहने देते हैं कंसोल लॉग को ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं कि क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैटेगरी और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की प्रॉपर्टी है। तो ये जो क्वेश्चन है अब इसको हमने फेच करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को फेच करने के लिए यहाँ पर अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं सेट क्वेश्चन हैं वो 1 by 1 पास करने हैं, काउंट के वेरिएबल के साथ हमने इसको इंक्रीमेंट करना है। मतलब जैसे ही क्वेश्चन चेंज हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वो कॉल करे। तो इसके लिए हमें एक और टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर काउंट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, और स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी बेसिकली। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट और बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ स्टेट इसमें 0 होगी। आप देखिएगा कि एक और कंप्लेन आएगी कि क्वेश्चंस के साथ आप यूज़ कर रहे हैं काउंट को और उसके अंदर आपने इसको भी यूज़ नहीं किया। तो खैर सेट काउंट हम कहां पर करेंगे ये भी एक अलग सिचुएशन है। तो काउंट हम यहां पर पास कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली हुक जो है ये कॉल नहीं होगी तब तक जब तक क्वेश्चन में हमारे पास डाटा मौजूद है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि काउंट हमने यहाँ पर पास कर दिया तो अगर काउंट चेंज हुआ तो ये हमारा यूज़ इफेक्ट दोबारा एग्जीक्यूट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यूज़ स्टेट हमारे पास 0 है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन पास करना है। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चंस इनटू काउंट डॉट क्वेश्चन। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस का जो हमारे पास जो स्टेट है क्वेश्चंस की उसके अंदर जो काउंट है जो 0th इंडेक्स है उसका जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर इसको पास कर दो क्वेश्चन वाले कंपोनेंट को। तो इट मींस हमारे पास क्वेश्चन वाला कंपोनेंट मौजूद है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन वाला कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन को और सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस डमी टेक्स्ट को क्वेश्चन के साथ। तो ये लीजिए हमारे पास अब पहला वैलिड क्वेश्चन डिस्प्ले होगा यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड, अच्छा सॉरी ठीक हो गया। एक्चुअली यहाँ पर एक और इशू है वो ये है कि क्वेश्चंस जो हमारे पास काउंट है वो फिल होता है बाद में, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और चेक लगाएंगे कि इफ़ नॉट क्वेश्चंस
तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या रिटर्न कर दो, पी टैग में क्लास नेम हम दे देते हैं इसको टेक्स्ट डार्क, बल्कि टेक्स्ट लाइट और टेक्स्ट म्यूटेड, और यहाँ पर टेक्स्ट में हम लिख देते हैं लोडिंग। तो लोडिंग के बजाय हम स्पिनर भी यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप 4 में हमारे पास स्पिनर भी है, लेकिन फिर हमें jQuery यूज़ करनी पड़ेगी, बूटस्ट्रैप js, पोपर js, तो हम उनको यूज़ अभी नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दिया इफ़ क्वेश्चन, इफ़ नॉट क्वेश्चन रिटर्न लोडिंग, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखिए हाउ मैनी बाइट्स आर इन किलो बाइट ऑफ रैम। सो अब हमारे पास पहले लोडिंग लिखा हुआ आएगा, ये देखिए, और उसके बाद जैसे ही हमारे पास क्वेश्चंस की अरे फिल होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब जब क्वेश्चन आ गया तो इट मीन्स उसके आंसर्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है कि आंसर्स को हमने शफल करना है। तो आंसर्स हमारे पास कहाँ पर आएंगे, आंसर्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे, तो इसके नीचे हम यहाँ पर रिटर्न के बाद लिखेंगे कॉन्स्ट आंसर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर आंसर्स के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चंस इनटू काउंट डॉट इन करेक्ट आंसर्स लेने हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सॉरी यहाँ पर कैटेगरी के अंदर ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास इनकरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, ये इनकरेक्ट आंसर्स एरे की सूरत में। सो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर्स ले लिए और उनको कर लिया हमने एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पर कॉमा दे के हमने क्वेश्चंस into count dot answer correct answer, तो ये हमारे पास यहाँ पर correct answer भी आ रहा है, ये देखिए correct answer, okay। तो अब अगर हम इस answer को pass करें component के साथ, मतलब अब यहाँ पर हम ये हमारे पास answers आ गए, और अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँ answers डॉट मैप और आंसर, और यहाँ पर लिखूँ मैं आंसर और अगेन आंसर इज इक्वल टू आंसर, वही सिनारियो आ गया ना, यहाँ पर आंसर आंसर आंसर। सो यहाँ पर अब ये कंपोनेंट कॉल होगा हमारा, और यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, तो हमें एक कंप्लेन कर रही है कि जो आप आंसर्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर की कंपोनेंट भी आना चाहिए। सो की इज़ इक्वल टू हम इंडेक्स ले लेते हैं, ये ज़रूरी है, तो यहाँ पर इंडेक्स भी हम पास कर देते हैं, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर्स भी आ गए हैं फ्रॉम द डेटाबेस। सो विच कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड और जो भी है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमेशा आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंटेंट कुछ स्पेशल करेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये स्पेशल करेक्टर्स जो होते हैं इनको डिस्प्ले करने का भी एक तरीका होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आंसर को आप यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक स्पैन का टैग यूज़ कर लेते हैं, और उस स्पैन के टैग के अंदर हम डेंजरसली सिंटैक्स HTML और उसके अंदर फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर HTML और यहाँ पर आंसर को डिस्प्ले करेंगे। तो इससे ये जो है हमारा आंसर जो है वो जो स्पेशल करेक्टर्स होंगे वो भी डिस्प्ले होंगे। तो गेन देखिए वही सवाल आया, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो शफल नहीं हो रहे, तो हमें पता है कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो एप्पल है, देखिए लास्ट वन वाला एप्पल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल है, ये देख सकते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारी जो टेक्निक है अब हमने उसके ज़रिए इसको शफल करना है। सो शफल किस तरीके से करना है, हमने क्वेश्चंस के सॉरी क्विज़ के अंदर आना है, और यहाँ पर जो आंसर्स डॉट मैप को हम यहाँ पर डिस्प्ले करने की बजाय यहाँ पर एक और वेरिएबल लेंगे, और उसमें रिज़ल्ट को कॉन्स्ट करके रिज़ल्ट का वेरिएबल ले लेते हैं, और इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में अब हम आंसर्स डॉट और इसमें हम डिस्प्ले करेंगे शफल करेंगे आंसर्स को, तो आंसर्स डॉट सॉर्ट, और उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी मैथ डॉट रेंडम -0.5। तो अब इस रिज़ल्ट कॉन्स्ट के अंदर जो हमारे पास एरे बनेगी वो रेंडमली वेरिएबल्स की होगी, तो यहाँ पर अब मैं सिंपली रिज़ल्ट लिख देता हूँ,
और रिजल्ट डॉट मैप आंसर इंडेक्स और सेम बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसको सेव करके रीलोड करेंगे अगर हम, तो अब जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो हमेशा रेंडमली ये होंगे, हमें नहीं पता होगा कि आंसर करेक्ट आंसर कहाँ पर है। देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ जब, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा, कंसोल में आता हूँ, तो यहाँ पर एरे के अंदर जो ये जो क्वेश्चन है इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको देखते हैं। सो इन ये पहला क्वेश्चन है, तो जीरोथ इंडेक्स है। सो इन ये है साइंस कंप्यूटर्स कैटेगरीज की डिफ़िकल्टी, इनकरेक्ट आंसर्स हैं हमारे पास ये तीन है, इफ़ कंडीशन है, देखिए डू वाइल है, फिर उसके बाद वाइल है, जबकि हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा है पहले डू वाइल हो रहा है, फिर इफ़ है, फिर वाइल है, फिर फॉर है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फॉर लूप्स। तो फॉर लूप्स हमारे पास यहाँ पर है फोर्थ पे। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से, तो अब हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वाला क्वेश्चन आया, तो इसका एप्पल करेक्ट आंसर है। तो एप्पल अगेन लास्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर्स आया, आंसर्स डॉट सॉर्ट मैथ डॉट रेंडम, और इसको यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए था करेक्ट आंसर्स, मतलब ये क्यों नहीं किया इसने, मैथ डॉट रेंडम हम यूज़ कर रहे हैं, -0.5 और आंसर्स डॉट सॉर्ट सॉर्ट हो रहे हैं। लेट्स सी कि ये आंसर्स यहाँ पर एप्पल है करेक्ट आंसर, तो एक दफ़ा फिर करके चेक कर लेते हैं, इट माइट बी सम ग्लिच कि वो सही नहीं हुआ। अब फिर आप, हाँ अब ठीक है, अब देखिए ये हमारा काम कर रहा कोड, एक्चुअली वो उसमें प्रॉब्लम थी, सॉरी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो उसने जो शफल किया था उसमें एप्पल हाई फोर्थ नंबर पे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर एप्पल है और वो वन पर है और माइक्रोसॉफ्ट लास्ट पर है, जबकि यहाँ पर एरे की सूरत में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट पहले पर है, जीरो इंडेक्स पर है, अटारी वन पर है, कॉमोडोर जो है वो टू पर है, और इसी तरीके से हमारे पास ये 012 है और जो 3 है वो एप्पल है, और एप्पल इस वक्त टॉप पर है। सो करेक्ट आंसर जो है वो एप्पल है। तो हमारे क्वेश्चंस भी अब रेंडमली क्वेश्चन के साथ जो आंसर्स हैं वो रेंडमली डिस्प्ले होंगे, हमें नहीं पता होगा कि 4th ही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हम जब किसी भी बटन पर आंसर पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो आंसर का जो भी रिज़ल्ट है वो हमें पता चल जाना चाहिए, प्लस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस टेक्निक को किस तरीके से यूज़ करना है गौर से समझिएगा कि सबसे पहले हमारे पास आंसर्स का जो फंक्शन है, ये जो आंसर है, सो ऑन आंसर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेंगे ऑन आंसर, हमें नहीं पता कि आंसर सही है या गलत है, लेकिन हम यहाँ पर आंसर को ले रहे हैं और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर उस आंसर को वापस एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट और फिर उसको पास कर देंगे यहाँ पर एक चेक आंसर का फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको हम ये आंसर जो है वो पास कर देंगे। अब ये जो ऑन आंसर है ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो हमने पास करनी है इस आंसर को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन आंसर और सिंपली हमने क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम आंसर इधर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ऑन आंसर जो है वो यहाँ पर हम इसके अंदर क्लिक पर हमने रखना है, तो इनपुट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पर ऑन आंसर को हम कॉल करेंगे और इसको पास कर देंगे जो भी करंट हमने आंसर पास किया, तो ऑन आंसर पे हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये वाला। सो वो आंसर पास हो जाएगा वापस हमारे पास इस क्विज़ के पास यहाँ पर आ जाएगा। सो ये आगे कॉल करेगा चेक आंसर को, तो यहाँ पर अब हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं चेक आंसर का। सो जिस तरीके से हमने ये फंक्शन क्रिएट किए थे यहाँ पर, तो रिटर्न से ऊपर ही हम यहाँ पर कॉन्स्ट चेक आंसर इज इक्वल टू आंसर, और इसके बाद हमने इस आंसर को कंपेयर करना है करेक्ट आंसर के साथ, तो हमारे पास काउंट में स्टिल ज़ीरो है। सो यहाँ पर हम चेक लगाएंगे कि इफ़ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चंस इनटू काउंट डॉट करेक्ट आंसर, कि जो आंसर रिटर्न हुआ है वो बराबर है क्वेश्चंस इनटू काउंट डॉट करेक्ट आंसर के,
तो क्या करो, यहाँ पर एक तो सेट काउंट में काउंट, बल्कि ये तो हमने करना ही करना है काउंट प्लस वन, चाहे करेक्ट आंसर हो या रॉन्ग आंसर हो, सो काउंट प्लस वन करो। दूसरा हमने यहाँ पर स्कोर को मेंटेन भी करना है, तो अगेन एक तीसरी हुक यूज़ होगी, स्टेट हुक, तो कॉन्स्ट सॉरी स्कोर सेट स्कोर इज इक्वल टू यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो स्कोर होगा। और यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर है तो सेट स्कोर, और यहाँ पर स्कोर प्लस 10 कर देंगे कि जितना भी स्कोर की वैल्यू है उसमें 10 का इंक्रीमेंट कर दो, अगर आंसर जो हमने दिया है वो करेक्ट है क्वेश्चन आंसर के, और उसके बाद सेंट सेट काउंट कर दो काउंट प्लस 1 को। सो जब काउंट प्लस 1 होगा तो हमने क्या करना है, हमें जो है ऑटोमेटिकली कंपोनेंट रीलोड होगा ये, और काउंट के अंदर चूंकि अब 1 है तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऑटोमेटिकली 1। अब ये चीज़ हमने तब तक करनी है जब तक 10 क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते, लेकिन फ़िलहाल इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो लॉजिक है वो सही काम कर रही है या नहीं। सो हमने सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एक पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी अगेन कोड्स आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन वाले को भी डेंजरसली डिस्प्ले करना होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन को कट करते हैं, और यहाँ पर डेंजरसली इनर HTML इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर HTML, और यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्प्ले कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, मैंने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले होते जा रहे हैं, और जैसे ही 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमें एरर मिला, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, इनकरेक्ट आंसर्स, ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और वो इंक्रीमेंट जो है वो 11 हो चुका है, और 11 वाला इंडेक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये हमें एरर देखने को मिला। अब हम इस एरर को फिक्स करते हैं, तो इस एरर को फिक्स करना बहुत ही सिंपल है। हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ लेंथ को चेक करना होगा जो कि हमारे क्वेश्चन हैं उनकी लेंथ को, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होगा। ये जो सेट काउंट काउंट प्लस वन है इसको उस सूरत में एग्जीक्यूट करना है कि जब हमारे पास इफ़ काउंट इज़ लेस देन क्वेश्चंस डॉट लेंथ, सिंपल। तो मैंने अब उसे कहा कि अगर तो काउंट जो है, जो हमारे पास काउंट का वेरिएबल है जो ये वाला स्टेट है, जो अगर ये लेस देन है क्वेश्चंस डॉट लेंथ से, तो काउंट को प्लस वन करो, अदरवाइज इसको प्लस वन मत करो, अदरवाइज हम एल्स कंडीशन में इसको न्यू कंपोनेंट को लोड कर देंगे। वो मैं अभी आपको टेक्निक वो भी बताता हूँ, पहले इसको आप टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही काम कर रही है या नहीं। ओके, हमारा रिफ्रेश हो गया कंपोनेंट, अब मैं रेंडमली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सो 10 क्वेश्चन पूरे हुए, और इसने कहा फिर इफ़ आंसर इज इक्वल टू सेट स्कोर इफ़ काउंट इज, अच्छा यहाँ पर बेसिकली हमें इफ़ क्वेश्चंस क्वेश्चंस और हमारे पास ये आंसर्स भी आ रहा है, तो इट मींस हमारे पास ये आंसर्स पर एरर दे रहा है, तो हमें यहाँ पर इफ चेक आंसर पे, तो जारी बात है जब चेक आंसर पे क्लिक होगा तो इट मींस 11वां क्वेश्चन वहाँ पर पहुँच चुका होगा, तो इट मींस हमें जो काउंट प्लस वन है, हाँ ठीक है काउंट प्लस वन तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ और तो कहीं पर कर नहीं रहा, तो ये क्यों नहीं फिक्स हुआ। अच्छा तो हम एक और काम करते हैं, इनको यहाँ से उठाते हैं और नहीं ठीक है ये तो यहाँ पर इफ आंसर आंसर इज इक्वल टू सेट स्कोर प्लस वन इफ काउंट एंड क्वेश्चन यहाँ पर सेट काउंट काउंट प्लस वन, तो काउंट प्लस वन नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा काउंट इज लेस देन क्वेश्चन डॉट लेंथ माइनस वन, लेंथ को माइनस वन करके चेक करते हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अब 10th वाला क्वेश्चन दोबारा से डिस्प्ले हो रहा है, सो ठीक हो गया।
सो सेट काउंट माइनस वन किया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमने यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट को लोड करना है। इफ़ लेंथ माइनस वन है तो ठीक है, इसको डिस्प्ले करो, लेकिन अगर अब एल्स की कंडीशन हमने लगानी है, एल्स सेट बल्कि हम यहाँ पर करेंगे गेट स्कोर कर लेते हैं और तो अगर काउंट प्लस वन है तो हमें यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू, अच्छा यहाँ पर हम क्वेश्चंस सॉरी नॉट हियर, काउंट को यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम स्कोर को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, स्कोर को भी यहाँ पर यूज़ करना है हमने। तो उसके बाद हमें इसको डिस्प्ले करना है कंपोनेंट को, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट ले लेते हैं एक किस तरीके से करें इसको रिजल्ट को शो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और स्टेट ले लेते हैं कॉन्स्ट, उस स्टेट को कह देते हैं हम जो है वो फिनिश, फिनिश मतलब क्विज जो है वो फिनिश हो चुका है। सो सेट फिनिश बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ स्टेट करेगा और इसमें फॉल्स होगा, और इसको हम यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर भी यूज़ करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर यहाँ पर फिनिश, लेकिन हम इसको इस पर चेंज नहीं करेंगे बल्कि चेंज करेंगे सेट फिनिश ट्रू करेंगे हम यहाँ पर सेट फिनिश ट्रू। तो हमने सेट फिनिश ट्रू कर दिया। अब जब ये ट्रू होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस डिव के अंदर ही यहाँ पर एक न्यू बल्कि इस सारे को अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सो इफ़ फिनिश मतलब अगर ट्रू है फिनिश वेरिएबल तो क्या करो, यहाँ पर अब हमने कंपोनेंट को रिटर्न करवाना है विद आंसर्स। तो अब हमने बाकी को जिस तरीके से हम यहाँ पर लोडिंग शो कर रहे हैं, सॉरी ये कहाँ पर लोडिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर है तो यहाँ पर हम इसको नहीं यूज़ करते बल्कि हम इसको होम के अंदर यूज़ करें फिनिश वाले को, कि ये जो हुक है ये फिनिश हो गई है। तो यहाँ पर फिनिश यहाँ से भी ख़त्म करना है और यहाँ पर अब हम इस कंपोनेंट को प्रॉपर्टी जो पास किया उसको वैल्यू रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी पास करेंगे फिनिश की, ऑन फिनिश ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी जो हम पास करेंगे। सो ऑन फिनिश को हम ट्रू कर देंगे। सो यहाँ पर ऑन फिनिश ट्रू, अब ये ऑन फिनिश ट्रू जो है ये प्रॉपर्टी होगी, ये कहाँ से आएगी होम डॉट जी एस में। सो यहाँ से ऑन फिनिश इज इक्वल टू और जो भी वहाँ से पास होगा तो यहाँ पर पे हम लिखेंगे सेट फिनिश और फिनिश यहाँ से आएगा और सेट फिनिश फिनिश होगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वाली, देखिए यहाँ पर अब हमें हुक यूज़ करनी पड़ेगी यूज़ स्टेट। तो अब मैं यहाँ पर कॉन्स्ट फिनिश ले लेता हूँ और सेट फिनिश और इज इक्वल टू यूज़ स्टेट और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स कह देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर बल्कि यहाँ तक तो ठीक है, अब ऑन फिनिश फिनिश और उसके बाद सेट फिनिश फिनिश ओके हो गया। तो यहाँ पर अब इफ़ फिनिश तो यहाँ अब हम रिटर्न करेंगे div dot container, ये एक अलग होगा
और उसके बाद डॉट रो डॉट कॉल md12, और यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट रिटर्न होगा अगर ये फिनिश हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर फिनिश होने की सूरत में ये रिज़ल्ट शो करेगा। अभी रिज़ल्ट को भी हमने पास करना है इसको होम कंपोनेंट को। सो अगेन स्टार्ट से हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देखिए हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट को हमने अगेन ब्यूटीफुली डिस्प्ले करवाना है। डेफिनेटली हमें यहाँ पर रिज़ल्ट भी चाहिए। सो यहाँ पर ऑन रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट सेट रिज़ल्ट रिज़ल्ट, और यहाँ पर अब हमें कॉन्स्ट रिज़ल्ट सेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, और ज़ीरो होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम यहाँ पर तो यूज़ नहीं कर रहे क्विज़ के अंदर इस रिज़ल्ट को, स्कोर को यूज़ नहीं कर रहे हम कहीं पर भी, बल्कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये स्कोर पास होगा अब यहाँ पर ऑन फिनिश ट्रू और ऑन क्या हमने रखा था, सॉरी ऑन रिज़ल्ट। सो ऑन रिज़ल्ट फंक्शन को भी कॉल करेंगे यहाँ पर और इसको पास कर देंगे जो भी स्कोर होगा। सो एल्स की सूरत में हम ऑन फिनिश और ऑन रिज़ल्ट फंक्शंस को कॉल करेंगे जो कि होम से हम पास कर रहे हैं थ्रू प्रॉपर्टीज़। ये देखिए थ्रू प्रॉपर्टीज़ हम पास कर रहे हैं, और ये अब सेट रिज़ल्ट कर देगा, और फिनिश होने की सूरत में यहाँ पर हम रिज़ल्ट और रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवा लेंगे। सो सिंपली हमें बताएगा कितने करेक्ट आंसर्स हमने दिए, उनके पॉइंट्स हमें बताएगा। सो कह रहा है ऑन रिज़ल्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी माई मिस्टेक, या डेफिनेटली ऑन रिज़ल्ट इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्टी के थ्रू पास कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो जहाँ पर हमने ऑन फिनिश किया है, बल्कि ऑन रिज़ल्ट पहले है ऑन फिनिश बाद में है। सो ऑन रिज़ल्ट एंड ऑन फिनिश, तो अब एरर जो है वो ख़त्म हो गया होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 20 हमें रिज़ल्ट मिला। इट मीन्स हमने दो जो आंसर्स हैं वो सही दिए हैं, और 8 के आंसर्स हमने गलत दिए हैं। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि रीप्ले, तो मैं यहाँ पर अब एक और बटन लगाने रीस्टार्ट की प्ले अगेन सॉरी, तो यहाँ पर होम के अंदर मैं प्ले अगेन की स्टेटमेंट यूज़ करने लगा हूं। तो कहाँ पर यूज़ करना है हमने, यहाँ पर इस डिव के अंदर, यहाँ रिज़ल्ट है H2 में, इसको डिस्प्ले करते हैं हम रिज़ल्ट को, और नीचे इसके बटन लगा देंगे प्ले अगेन। और प्ले अगेन किस तरीके से हम करेंगे, हमने फिनिश को फॉल्स कर देना, फिनिश को फॉल्स कर देना, यस। सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू सेट फिनिश फॉल्स, और प्ले अगेन ऑन क्लिक सेट फिनिश फॉल्स हो गया। लेट्स सी कि वो हमें दोबारा से कंपोनेंट्स को रीरेंडर करता है या नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो प्ले अगेन, सो लोडिंग अगेन, एंड देन देयर यू गो, हमारे क्वेश्चन दूसरे आने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसको जितनी दफ़ा मर्जी प्ले करना चाहें प्ले कर सकते हैं। सो वेलकम टू, सो हमारा ये आंसर था एप्पल, और CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डज MP स्टैंड्स फॉर इन MP3? सो इट इज़ म्यूजिक प्लेयर आई थिंक। इफ़ यू आर टू कोड सॉफ्टवेयर इन द लैंग्वेज यू ओनली बी एबल टू टाइप 01, तो इट मीन्स इट्स बाइनरी। सो व्हाट इज़ द डोमेन नेम फॉर द कंट्री टूवालू? अब आई डोंट नो, TU हो सकती है, TU। ऑन ट्विटर व्हाट इज़ द 160 आई थिंक करेक्टर्स हैं। द मोबाइल ओएस हेल्ड द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन 2012 इज़ वाज सेम्बियन आई थिंक। हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी सिंगल बिट बाइट रिप्रेजेंट? सो 10 to 8 bit का एक बाइट होता है, सो 8 bit।
तब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची था आई थिंक, हाउ लॉन्ग इज IPv6, सो 128 bit. सो हमने 4 आंसर करेक्ट दिए और हमें 40 नंबर्स मिले. तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट जेएस का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को इस्तेमाल करते हुए एक क्विज ऐप क्रिएट की. अब इसको क्रिएट करने का एक बड़ा मकसद ये था कि आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम हुक्स यूज जिसको सीखने जा रहे हैं वो है कॉन्टेक्स्ट API और उसके बाद है रिड्यूसर. सो दीज टू हुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे कोड को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं. सो इसी एप्लीकेशन को पहले मैं आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल में उनका यूजेज बताऊँगा कॉन्टेक्स्ट API का और रिड्यूसर्स का, उसके बाद मैं उन दोनों को यूज़ करूँगा टू ऑप्टिमाइज ओवर दिस क्विज ऐप, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम डाटा पास कर रहे हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट यूजिंग प्रॉप. अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, लाइक इसमें हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, वी हैव ओनली 1, 2, 3 and 4 कंपोनेंट्स और उनके दरमियान हम डाटा सेंड भी कर रहे हैं प्रॉप्स के थ्रू और प्रॉप्स के थ्रू ही रिसीव भी कर रहे हैं. सो दिस थिंग, अब फिनिश को जैसे हमने फॉल्स किया तो ऑटोमेटिकली फिनिश को फॉल्स करते ही हमारा जो कंपोनेंट है वो ये वाला दोबारा रिजल्ट इसका ज़ीरो हो गया और ये सब कुछ हमारे पास वापस आ गया. तो सेट फिनिश फॉल्स कर सकते हैं हम, सेट रिज़ल्ट को भी ज़ीरो कर दें तो बेहतर रहेगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो. तो सेट रिज़ल्ट ज़ीरो कर दें दोबारा से, इसको मैं यहाँ पर सेट रिज़ल्ट ज़ीरो भी कर देता हूँ ताकि हमारा ये रिज़ल्ट भी ज़ीरो हो जाए. उसके अलावा अगर आप यहाँ पर यूज़ स्टेट हुक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जब कंपोनेंट रीलोड होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली वो इसको रीसेट कर देगा. सिर्फ यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ से कट कर दूँ तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ फंक्शन सेट रिज़ल्ट इनटू ज़ीरो इस तरीके से. अब इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा यूज़ इफ़ेक्ट को यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट. तो ये भी एक टेक्निक होती है कि यहाँ पर ये जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो मतलब जब सेट फिनिश करेंगे तो हमारा कंपोनेंट दोबारा से, क्योंकि स्टेट चेंज हुई है तो यहाँ पर अब हमें स्टेट भी देनी होगी, तो यहाँ पर फिनिश और रिज़ल्ट भी देना होगा. सो जैसे ये स्टेट चेंज होगी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा और री रेंडर होते ही जैसे ही हमारा कंपोनेंट क्लोज होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और रिटर्न करेगा सेट रिज़ल्ट को ज़ीरो. तो ये मैंने चीज़ आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन की थी. तो खैर एनीवेज हमारा जो क्विज़ ऐप है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसको अब आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे या कोई और ऐप हम देख लेंगे उसको क्रिएट करेंगे. तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में मौजूद जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले रिएक्ट जेएस के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें. सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल. टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.